कलयुग के इस दौर में जब संतान माता पिता की संपत्ति और धन दौलत पाने के लिए उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे में कोई बेटा खुद की चमड़ी से मां के लिए चप्पल बनवाए तो आप क्या कहेंगे। जी हां, धार्मिक नगरी उज्जैन में एक प्रॉपर्टी कारोबारी रामायण पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपनी जांघ की चमड़ी निकालकर अपने माँ के लिए चप्पल बनवाई है और फिर उन्हें भेंट की है, जिसे अब हर कोई उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहने लगा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जिसमें एक बेटे ने अपनी जांघ की चमड़ी निकलवाकर मां के लिए चप्पल बनवाई है, भेंट की है। और दरअसल उज्जैन के ढांचा भवन में प्रॉपर्टी कारोबार रौनक गुर्जर घर के नजदीक भागवत कथा करवा रहे हैं। इस दौरान रौनक गुर्जर ने निजी अस्पताल में अपना ऑपरेशन करवाकर जांघ की चमड़ी से माँ के लिए चप्पल बनवाई है और उन्हें भेंट की है। इस दौरान कथा सुनने आए कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं माँ बेटे दोनों एक दूसरे के गले लगाकर फूट फूट कर रोते नजर आए हैं। रौनक गुर्जर ने कहा कि वह लंबे समय से रामायण पढ़ रहे हैं और उन्हें वहीं से यह प्रेरणा मिली है। मैं कई वर्षों से रामायण जी निरंतर पढ़ता हूँ और उसे राम जी के चरित्र से बड़ा मन प्रसन्न रहता है मेरा और प्रभु की सेवा में लगा रहता हूँ। प्रभु ने खुद बताया कि माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, ये सही है कि वहां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि अपनी चमड़ी से चप्पल बनवाए माँ के? मैं रामायण जी पढ़ता हूँ। रामायण जी में दोहे में उल्लेख है कि प्रभु ने कहा है कि अगर अपनी माँ के लिए अपने चमड़े से खड़ा भी बनवा लोगे तो भी कम है। तो मेरे मन ने ऐसा बोला कि यार मेरी माँ को छोटा सा कितना कष्ट हुआ होगा आपको ये करने में? या कष्ट भी हुआ और खुशी भी हुई कि मेरा एक संकल्प पूरा हुआ। आपने संकल्प ले रखा था, इसकी जानकारी आपके माताजी को थी? नहीं, मेरे माताजी को भी जानकारी थी इस चीज की। अच्छा, तो जो अब आज आपने उनको चप्पल भेंट करी अपने चमड़े की बना के, तो वो इसको ग्रहण करा उनने पहन रहा है वो? जी, मेरे एक बार पहनी मम्मी ने, बाकी तो मम्मी का हाल ऐसा और दोनों माँ बेटे का कि आप सब देख ही रहे हैं। वही भागवत कथा कर रहे जितेंद्र महाराज ने उसकी तुलना श्रवण कुमार से की है और आज के युवाओं को माँ बाप के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने का संदेश दिया। ये अपने बेटा का परित्याग है और ऐसा ये भारत देश, एक भारत देश ही ऐसा देश है जिसमें माँ पाकिस्तान को माँ नहीं लगा, रेगिस्तान को माँ नहीं लगा। भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें माँ का महत्व बताया गया है और ऐसे बालक ने आज भैया ने करके दिखा दिया है। कलयुग के अंदर श्रवण कुमार बन करके दिखा दिया है कि जैसे कोई प्रेमिका के लिए हाथ काट लेता है, कोई अपनी पत्नी के कारण हाथ काट लेता है, लेकिन माँ के लिए हाथ काटना और माँ के जंगा काट करके चरण पादुका बनाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो ये भारत देश है, भारत माँ, इसीलिए तो माँ का महत्व दिया गया है और धन्य है से बालक। ये कलयुग में किस तरह का संदेश गया इनसे? ये कलयुग में बस जितने भी जो नई जो पीढ़ी आ रही है, जो अनेक जो भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया को बिगाड़ रही है, उन्हों को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे पुत्र धन्य है ऐसी माँ और धन्य है। एक बार कथा सुन करके देखो और एक बार हमारी भारतीय संस्कृति, एक बार राम की कथा सुन करके देख तो श्रवण और राम बन करके तो चला जाएगा। वही रौनक की मां निरुला गुर्जर ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो रौनक जैसा बेटा मिला। रौनक जैसा बेटा हर मां को मिले, उसने मुझे हर मुसीबत से बचाकर बेटे का फर्ज निभाया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली माँ हूँ, रौनक जैसा बच्चा भगवान हर माँ को दे, उसने मेरे को हर मुसीबत से निकाल के अपने बेटे का फर्ज अदा करा है। अपने शरीर में से चमड़ी निकाल कर मेरे लिए चरण पादुका बनवाई, भगवान उसके हर दुख मेरी झोली में डाल दे, उसको सदा सुखी रखे, अब जीवन में उसको कोई दुख ना आए। आज के समय में जहां युवा अपने गर्लफ्रेंड प्रेमिका के लिए हाथ की नस काट लेते हैं तो जहर खा लेते हैं, तो वही रौनक ने मां के प्रति श्रद्धा की एक मिसाल पेश की है। साथ ही अपने माता पिता के बुरा बर्ताव करने वाले युवाओं के साथ एक उदाहरण भी पेश किया है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।